वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे कई बेनिफिशरीज हैं जिनका हमारे पास में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सर आपने कहा कि एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम अच्छी हेल्थ, डिजीज़ फ्री हेल्थ की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन एक्सरसाइज जब हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो शरीर को न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए। तो आज की वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो उन सब लोगों के लिए बनाना जा रहा हूँ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हैं, जो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और जो लोग अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने में दिन रात अब वर्कआउट एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी करने लग गए हैं और उनको लगता है कि भैया अब मुझे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो कौन सा ऐसा डाइट प्लान है जिसको अगर वो फॉलो करें तो एक्सरसाइज आपको पता है कि कैसे करनी है, दिन में एक बार या दो बार न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपकी 100% पूरी हो जाएगी अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे जो मैं आप देने वाला हूं आपको। डाइट प्लान में जैसा हमने पढ़ा भी है किताबों में, पांच चीज़ें हमें मुख्य तौर पर चाहिए होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर जिसके अंदर मिनरल्स पूरे हों। तो आपको एक पूरा का पूरा मैं जो क्षेत्र है वो बता रहा हूँ, अगर इसको हम इस तरीके से पूरा करते हैं तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स से संबंधित आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिशन से संबंधित जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, या वर्कआउट आज आपने बढ़ाना शुरू कर दिया है तो प्रोटीन से संबंधित जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी इसमें पूरी होने की उम्मीद है। डाइट प्लान मैं पूरा सुबह से शाम तक का बताऊंगा, जो जो चेंजेस हम कर सकते हैं उसमें से कितने आप कर पाएं वो अच्छी बात है और उसकी परसेंटेज वाइज उसका कितना वैल्यू है वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। सुबह 5 या 6 बजे तकरीबन उठने का आपका समय होगा। उठते ही जैसा हमने कहा तांबे के बर्तन में रात को पानी रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में गर्मियों में पानी रख रहे हैं तो 2 चांदी के सिक्के डाल दें, और सर्दियों में रख रहे हैं तो तांबे के बर्तन में कोई सोने का सिक्का डाल दें या सोने की चेन डाल दें जिससे सोना और तांबा सुबह जाए। सर्दियां हैं तो तांबा और सोना सुबह शरीर में जाए, गर्मियां हैं तो सुबह चांदी और तांबा शरीर में जाए। अगर ये शरीर में जाता है शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, शरीर की हेल्थ को अच्छा रखेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रखेगा। तो सुबह उठे, रसोई में गए, तांबे के पात्र को लिया, थोड़ा सा गर्म किया पानी उसके अंदर और फिर आराम से बैठकर पिया। कांसे के गिलास में डालकर पी सकते हैं। बर्तन जितने हम खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें कांसा हो तो अच्छा, और पकाने में जो इस्तेमाल करते हैं उसमें पीतल हो तो अच्छा, पीतल को कलई कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो सुबह उठकर तांबे के बर्तन का पानी आपने इस प्रकार से गर्म करा, कांसे के गिलास में डाल के आपने पिया, ये एक अच्छी चीज़ हो गई। पानी पिया, पानी पीने के बाद फ्रेश होने गए। कोमोड पर भी बैठने का तरीका हमने आपको बताया हुआ है, मैक्सिमम वीडियोस में इसलिए इंक्लूड करता हूँ कि किसी भी वीडियो से कोई भी चीज़ आपको पता चल जाए तो लाइफस्टाइल इमीडिएट चेंज हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम आप जब जाएंगे मोशन करने और कोमोड पर जाएंगे तो नीचे जब भी कोमोड पर बैठेंगे एक पटरी होनी चाहिए, और पटरी इतनी होनी चाहिए कि ये घुटने आपके जितने सीने की तरफ आए उतना अच्छा। याद रखिएगा कोमोड पर पैर लटकाकर नहीं बैठना, बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पर जैसे कुर्सी पर बैठते हैं ऐसे नहीं बैठना, पैरों के नीचे पटरी होनी ज़रूरी है। हमने एडवर्टीजमेंट्स बहुत बार की है, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। तो मोशन जब हो गया, क्लियर हो गया, स्टमक आपका बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल शरीर साफ है इस समय, कॉन्स्टिपेशन की अगर दिक्कत है तो इस टाइम पर आने के बाद में एलोवेरा जूस जो प्योर पल्प हो, चाहे अपने घर में उगाया हो चाहे किसी ऑर्गेनिक स्टोर से आया हो, तो वो एलोवेरा जूस पर्याप्त मात्रा में लेना है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना रहे। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन है तो याद रखना पूरे दिन के अंदर सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन का ही निवारण करना है, अदरवाइज जो मैं डाइट प्लान बता रहा हूँ इसमें कॉन्स्टिपेशन वैसे भी आपकी नहीं रहेगी। तो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो एलोवेरा का ढक्कन आपने सुबह डाला आधा गिलास पानी में और पी लिया, कॉन्स्टिपेशन कम होती जाएगी। और अगर वो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो क्या पीना है, 1 चम्मच वीट ग्रास, 1/2 चम्मच स्पिरुलिना, इसमें 1/2 चम्मच अश्वगंधा, 1/2 चम्मच सफ़ेद मूसली और 1 चम्मच शुद्ध शहद, ये डालकर 1/2 गिलास ल्यूकोम गुनगुने पानी के साथ में घोलना है और पीना है। बात समझे, अगर कॉन्स्टिपेशन है
तो एलोवेरा पीना है। जब भी पेट पूरा अच्छे से साफ हो जाए, आप समझ गए, जब तक साफ़ नहीं है तब तक उस दिन के अंदर आपको वीट ग्रास वाली डाइट को नहीं अपनाना, लेकिन अगर पेट साफ हो गया है तब वीट ग्रास वाली डाइट जो बता रहा हूँ वो अपना लो, नहीं हुआ है तो एलोवेरा पी लो। तो अगर पेट साफ हो गया तो क्या पीना है, एक चम्मच वीट ग्रास, आधा चम्मच स्पिरुलिना, आधा चम्मच अश्वगंधा, आधा चम्मच सफ़ेद मूसली और एक चम्मच हनी। जितना ज़्यादा वर्कआउट करोगे उतनी इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हो। एक चम्मच वीट ग्रास है तो एक चम्मच स्पिरुलिना ले सकते हो, एक चम्मच अश्वगंधा, एक चम्मच सफ़ेद मूसली, इतने तक इसको बढ़ाकर ले सकते हो। तो जिस हिसाब से हमारा वर्कआउट है उस हिसाब से अपने को इसकी डोज निर्धारित करनी है। ये वीट ग्रास पिया या एलोवेरा पिया, इनमें से कुछ एक पियोगे, पीने के बाद में आप अपने वर्कआउट पे जाओगे। अब आपने पूरा जितना वर्कआउट हो सकता है अच्छे से करना है, जितनी शारीरिक क्षमता है उसके हिसाब से वर्कआउट करना है। जितना अच्छा वर्कआउट होगा उतना अच्छा ही न्यूट्रिशन शरीर में लगेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। न्यूट्रिशन और वर्कआउट दोनों साथ साथ चलेंगे। एक्सरसाइज करी, नॉर्मल जो लोग एक्सरसाइज वगैरह कम करते हैं उनके लिए बता दूं, 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। और 30 मिनट से 45 मिनट के अंदर इतना अच्छा एक्सरसाइज होना चाहिए कि शरीर एग्जॉस्ट हो जाए, शरीर के अंदर ये हो जाए कि भैया अब इससे ज़्यादा मुझसे एक्सरसाइज नहीं हो सकती थी। एक्सरसाइज का पैटर्न है जो आपको अपनाना चाहिए। तो एक्सरसाइज करके वर्कआउट करके आप आए, 7 बज गए, 7:30 बज गए, आराम से जाइए, नहाइए धोइए, अपना जो भी सुबह के क्रम है उनको पूरा करिए। पहली भूख जब आपको लगेगी, जब तक भूख नहीं लगेगी कुछ नहीं खाना। जब पहली भूख आपको लगे, याद रखना, खाना तभी है जब भूख लगे, बिना भूख के कुछ नहीं खाना। इसके दो रीज़न होते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की सुनना शुरू करिए। भूख लगने का मतलब है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खाना लेने के लिए तैयार है, और वो तैयार जब होगा, जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम खाना लेने के लिए तैयार होगा तभी हमारे शरीर में उसके द्वारा दिया गया न्यूट्रिशन जो है वो हमारे पास वापस आएगा, हमारे शरीर में लगेगा। तो बहुत बार हम ये सोचते हैं क्योंकि हम सुबह वर्कआउट करके आए किसी भी टाइम हम कुछ खाएंगे शरीर में लगेगा, नहीं, शरीर में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन अपटेक तभी होगा जब भूख जोर के लगेगी। तो जब पहली भूख जोर से लगे तो उस टाइम पर क्या पीना है, सुबह ड्राई फ्रूट का शेक। ड्राई फ्रूट में क्या करना है, रात को एक कटोरे के अंदर 10 बादाम, 10 मुनक्का, 10 अखरोट की गिरी और 3 से 4 अंजीर, 10 एलमंड्स, 10 मुनक्का बिग रेजन्स, 10 वॉलनट्स, 4 to 5 फिग्स, अंजीर भिगो दीजिए। और सुबह उठकर जब पहली भूख लगेगी तब क्या करना है, सारा ड्राई फ्रूट उठाना है, मिक्सर ग्राइंडर में डालना है, घुमा देना है। घुमाएंगे तो क्या बनेगी, चटनी, पेस्ट। अगर शरीर की शारीरिक क्षमता ज़्यादा है बताएगा शरीर आपको कि आज मैंने ज़्यादा खाया कि कम खाया, दोनों के लिए बता रहा हूँ। अगर तो वर्कआउट बड़ा ज़बरदस्त है, शरीर में कुछ भी डाल रहे हो तो वो हज़म होना शुरू हो जाएगा, बात समझ रहे हैं आप। एक्सरसाइज का मेटाबॉलिज्म से सीधा रिलेशन है, जितनी एक्सरसाइज करते जाओगे मेटाबॉलिज्म बढ़ता जाएगा, और जितना मेटाबॉलिज्म बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा खुराक बढ़ाते जाइए, न्यूट्रिशन उतना जाता रहेगा, ये तीनों आपस में लिंक में काम करेंगे। तो ड्राई फ्रूट का जो शेक मैंने घुमाया, चटनी, अब ये 10 खाने हैं, 15 खाने, 20 खाने, ये मेरे मेटाबॉलिज्म पे और मेरी एक्सरसाइज पे है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है तो 10 की जगह 15 भी खा सकते हो, एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा नहीं है तो 10 की जगह 6 खाने हैं। तो सुबह चटनी बन गई इनकी, चटनी बनने के बाद जिस पानी में भिगोया था उसी पानी को थोड़ा डाल दोगे तो क्या बनेगा, शेक। अगर तो एक्सरसाइज लिमिटेड करते हो, बहुत ज़्यादा नहीं करते, तो मात्र इस शेक को पी लो। अगर एक्सरसाइज वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हो तो इसकी पावर को बढ़ाने के लिए इसमें आधा चम्मच से एक चम्मच तक मोरिंगा पाउडर डाल लो। सुबह क्या डाला था, वीट ग्रास और स्पिरुलिना, उसके बाद एक्सरसाइज करने गए, आने के बाद ड्राई फ्रूट का शेक बनाया। ड्राई फ्रूट का शेक बनाने के वक्त में अगर तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करता तो सीधा ड्राई फ्रूट शेक पियो। याद रखना, ज़्यादा न्यूट्रिशन भी उस इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है जो एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करता, वो आपको अंदर जाके नुकसान ही करेगा। न्यूट्रिशन उतना लेना है जितना शरीर की क्षमता है हज़म करने की।
अगर उससे ज़्यादा लोगे तो भी नुकसान करेगा, उससे कम लोगे तो भी नुकसान करेगा। संतुलन जीवन में कभी नहीं छोड़ना, बहुत वीडियोस में बताता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, समझ गए। ये ड्राई फ्रूट का शेक बनाया, सीधा पी लो। अगर एक्सरसाइज वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हो और कोई भी चीज़ खाते हो इमीडिएट हज़म कर जाते हो, तो इसमें आधा चम्मच एक चम्मच मोरिंगा डाल के भी घुमा दो, तो तीन बेहतरीन प्रोटीन नेचुरल सप्लीमेंट्स, विटामिन प्रोटीन नेचुरल सप्लीमेंट्स हम सुबह के 9 बजे तक अपने शरीर में डाल चुके होंगे। एक चम्मच सुबह वीट ग्रास का डाला था, एक चम्मच स्पिरुलिना का डाला था, एक चम्मच अब मोरिंगा का डाल दिया। और अगर आप इसके डाइट प्लान में से, इसकी खुराक में से निकालोगे कि मेरे शरीर में कितना न्यूट्रिशन गया, यू विल बी सरप्राइज्ड। बेहद अभी तक 9 बजे तक ही आपके शरीर की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को बहुत हद तक पूरा किया जा चुका है। इसके बाद में आपने अब शेक पी लिया, शेक पीने के बाद में अब देखो भूख लग रही है, खाना खाना है, तो खाना खाने में गेहूं और चावल की जगह जितना हो सके उतना मिलेट्स का इस्तेमाल करो। मिलेट्स में हम क्या बताते हैं, गर्मियों में अगर खा रहे हैं तो बैनयार्ड मिलेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सांवक, व्रत में खाते हैं सांवक के चावल, फॉक्सटेल मिलेट हिंदी में बोलते हैं कांगनी, कोडो मिलेट बोलते हैं कोदरा, गुरु नानक देव खाते थे इसे, जवार जिसे अंग्रेजी में सोरगम बोलते हैं, तो ये जो चार हैं। तो मिलेट्स का जितना इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने 4-5 आपको बताया गर्मियों में, इससे बचे हुए जितने मिलेट्स हैं सर्च कर लोगे वो सारे सर्दियों के होते हैं, तो उनको सर्दियों में खाना है। खाने के मिलेट्स को खाने के 2 तरीके, इनका आटा गूंद लो, इसकी रोटी खा सकते हो तो रोटी खा लो, रोटी नहीं खा सकते तो इनके दलिया बेहद स्वाद बनता है, तो इनका दलिया वेजिटेबल वगैरह डालकर खाना चाहिए। कई लोगों को ये दुविधा रहती है कि भैया रोटी ज्यादा खाएंगे दलिया कम खाएंगे तो ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। दलिये में भी उतनी ताकत है, रोटी में भी उतनी ताकत है, जो मन करे आपका, जो आपको लगे कि मेरे को तृप्ति दे रहा है मैं खा सकता हूं, वो आपको खाना चाहिए। लेकिन खाना क्या है, गेहूं और चावल की जगह जितना हो सके मिलेट्स। और जिस आटे को हम गूंद रहे हैं, अगर आपको लगता है पूरे मिलेट की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल लोगे, गेहूं को हम ज्यादा अच्छा नहीं मानते लेकिन स्वाद इतना होता है कि नहीं छूटता, तो थोड़ा सा गेहूं डाल के उसकी रोटी बना लो, जितना हो सके उतना मिलेट को बढ़ाना। जब आटा गूंद रहे हैं, अब मैं फिर वही वाली सुबह वाली बात पे आया, अगर एक्सरसाइज वर्कआउट बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है शरीर को न्यूट्रिशन देना है ना, तो जो मोरिंगा सुबह शेक में डाला था उसका 1 चम्मच अपने आटे में गूंद लो, तो अगर उसके आटे में गूंद लेंगे तो उस आटे की ताकत बढ़ जाएगी मोरिंगा वाले की। इससे मोरिंगा से हम आटे में गूंदेंगे तो क्या चीजें मिलेंगी, प्रोटीन और मिलेगा, कैल्शियम और मिलेगा, आयरन और मिलेगा। किसको जरूरत है डालने की, जो सुबह वर्कआउट ज्यादा कर रहा है, जो ज्यादा वर्कआउट नहीं कर रहा उसके लिए तो उतना ही पर्याप्त था जो सुबह था, बाकी दिन की जरूरत नहीं है। मैं दिन भर में आपको अलग अलग जगहें बता रहा हूं जहां पे आपको न्यूट्रिशन और डालना है, लेकिन डालना उन्हीं को है जो वर्कआउट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जो वर्कआउट बहुत ज्यादा नहीं कर रहे उनको पूरे दिन में सारा दिन केवल मोरिंगा वीटग्रास मत चलाते रहना, उन्हीं को फायदा करेगा। जिनका मेटाबॉलिज्म तेज हो रहा है, मेटाबॉलिज्म उन्हीं का तेज होता जाएगा जो सुबह वर्कआउट ज्यादा कर रहे हैं। लिंक को समझकर काम करना है, ठीक है जी। तो आपने रोटी खाई तो रोटी भी आपकी ताकतवर बन गई, उसको भी अंदर भी मिलेट सब्जी फ्रूट्स, ये सब्जियों में इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, कोशिश करना है अगर ऑर्गेनिक मिल जाए बिना इंजेक्शन की, बिना यूरिया पेस्टिसाइड की। इसीलिए हम लोग आपको ज्यादा फल सब्जियां खिला नहीं पाते। जो इंसान स्पोर्ट्स में है, जो वर्कआउट एक्सरसाइज करता है, उसके लिए बेहद जरूरी है कि दोपहर में एक आधी प्लेट तो पूरी की पूरी केवल ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स की ही खा ले। सुबह तो आपने पेट भर के खाना खा लिया, दोपहर का जो 1-2-3 बजे का टाइम है, अगर उस टाइम पे भूख लगे तो जितना मन करे जो सीजनल फ्रूट है वो खाना चाहिए। बताते हुए हम डरते इसलिए क्योंकि बाहर जो जितना फ्रूट और वो मिल रहा है वेजिटेबल्स, उसमें तो हमने केमिकल घोलने शुरू कर दिए, अगर वो ज्यादा खिला देंगे तो बीमार भी पड़ सकते हो, तो इसीलिए इसके ऊपर थोड़ी सी विडंबना है। लेकिन अगर अपने घर में उगा सकते हो, आसपास कोई जैविक किसान है, ऑर्गेनिक किसान है जो अच्छी सब्जी बिना केमिकल की दे सकता है, तो सब्जी फ्रूट का 1-2 बजे भर प्लेट खानी चाहिए। अगर कहीं पास में देसी गाय मिल जाए तो देसी गाय के दूध की छाछ भरपेट पीनी चाहिए हमें, शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। दोपहर के समय में छाछ केवल तभी पीनी है जब गर्मी हो, ठंड में छाछ जो है नहीं पीनी, बरसातों में छाछ नहीं पीनी, इसका ध्यान रखना। शाम के टाइम पे आ जाओ। अब शाम के टाइम में जब भूख लगे
तो करना क्या है, मैंने आपको बताया ये जो सोर्स मैंने आपको बताया वीट ग्रास मोरिंगा स्पिरुलिना, इनका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान ये केवल दो ही तरीके से करेंगे, या तो एक बारी में बहुत ज्यादा खा लोगे क्योंकि इनको हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर एक बारी में मैं आपको प्योर मोरिंगा का पाउडर 2 चम्मच पिला दूंगा तो हो सकता है वॉमिटिंग हो जाए, क्योंकि वो इतना भारी होता है शरीर के लिए हजम करना, इसीलिए एक बारी में आधा चम्मच ही दिया जाता है। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, शरीर में जाने के बाद में ये आपको पावर देगा अच्छी, लेकिन मेटाबॉलिज्म जितना ज्यादा है, नहीं तो क्या करेगा कॉन्स्टिपेशन कर देगा। अगर मेटाबॉलिज्म तेज नहीं हुआ, हजम करने की क्षमता ज्यादा नहीं हुई, तो पेट में मरोड़ी लगने लगेंगी। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि वीट ग्रास मोरिंगा स्पिरुलिना दिन में हर वो टाइम जब आपको लगे कि खाना खाने से मुझे 1-1.5 घंटे का अंतर, केवल मोरिंगा है जो खाना खाने के साथ ले सकते हो, बाकी वीट ग्रास स्पिरुलिना अल्फा अल्फा बार्ले ग्रास इन सब में विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन की भरमार है, और ये आपको कितनी भी अधिक मात्रा में ले लो नुकसान नहीं कर सकते, जो साइड इफेक्ट जिन्हें हम बोलते हैं जो प्रोटीन पाउडर्स के होते हैं। तो क्या करना चाहिए, 2-2, 3-3 घंटे के ब्रेक में जो है आप इनकी कितनी भी आधा आधा चम्मच करके कितनी बार ले सकते हो, जितना आपका शरीर अलाउ करे। प्रॉब्लम यही आएगी कि जब इनकी डोज आपको ज्यादा लगने लगेगी, आपके शरीर के हिसाब से मेरी ज्यादा आ रही है, तो ये पेट में बताएंगे कि भैया तुम हमें हजम नहीं कर पा रहे हो, अभी इतनी क्षमता नहीं है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसको एक्सरसाइज करके जब क्षमता बढ़ाओगे तो वो हजम करने लगोगे, ये तरीका काम करता है। तो मैंने आपको एक ये तरीका बताया। चौथी चीज जो प्रोटीन का दुनिया का सबसे ताकतवर सप्लीमेंट नेचुरल सप्लीमेंट होता है वो है देसी गाय के दूध की बनी हुई खीस। देसी गाय के दूध को जब हम निकालते हैं तो पहले 72 घंटों में जो ये दूध निकलता है ये अमूल्य है, इसको बोलते हैं काउ कोलेस्ट्रम। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, पहला तो ये कि ये केवल उसी गौशाला से आए जहां पर गाय का शोषण ना। हम इसका प्रमोशन इसलिए नहीं करते हैं, और आपको भी कहूंगा इसको मत ज्यादा मार्केट में जाकर ढूंढना, क्योंकि इसके नाम पर अगर गलत व्यापार हो गया तो एक तो गायें दुखी होगी और एक आप भी दुखी हो। जर्सी गाय के दूध का कोलेस्ट्रॉल किसी काम का नहीं। अगर किसी ऐसी गाय के कोलेस्ट्रॉल को निकाला गया जिसके बछड़े को पर्याप्त, क्योंकि बछड़े के लिए गाय के बछड़े के लिए पहले दिन का दूध बहुत जरूरी है, आपको तो प्रोटीन चाहिए, उसका तो पूरा जीवन इसके ऊपर निर्भर है, तो उसके लिए पहले 3 दिन मां का दूध जरूरी है, लेकिन मां जितना दूध देती है वो सब उसको नहीं पीना, वो सब पिएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। मां जो पहले 3 दिन दूध देने वाली है देसी गाय, वो 7-8 लीटर देने वाली है, इसमें से 2-2.5 लीटर दूध जो है वो उसके बछड़े को चाहिए, बाकी का जो बचा हुआ 4-5 लीटर है उससे काउ कोलेस्ट्रॉल टेबलेट के फॉर्म में भी बनता है, लेकिन गौशालाओं को कभी भी काउ कोलेस्ट्रॉल के लिए फोर्स नहीं करना। जैसे ही इसमें व्यापारिक अंश आएगा वो आपकी सेहत भी खराब करेगा, गाय को भी बेचारी को परेशानी होगी। तो काउ कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन बहुत है, लेकिन ये वहीं से लेना जहां पर गलत प्रैक्टिसेस नहीं होती। केवल वही गौशालाएं जहां पे गाय को मां माना जाता है वहीं से आने वाला काउ कोलेस्ट्रॉल बिना जरूरत, अरे भाई मुझे चाहिए ही चाहिए चाहिए चाहिए, मत क्रिएट करो, आपकी डिमांड वो आपको समाज को भी खराब करेगी आपको भी खराब करेगी। तो काउ कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन जबरदस्त होता है। जो लोग जबरदस्त वर्कआउट करते हैं वो देसी गाय के दूध की एक खीस जो प्योर भावना से निकली हुई अगर ले ले तो ये आपको 10-15 दिन के अंदर ही डिफरेंस दिखा देगी आपके शरीर की पावर में, और आपको पता चलेगा जिस देसी गाय के दूध की हम पूजा करते थे वो कितनी अमूल्य और कीमती थी। रात का समय हो तो दोबारा मिलेट का मैंने बताया, जितना मिलेट का सेवन, दलिया बनाओ, रोटी बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो खाओ, वो बढ़िया। और रात को खासकर सर्दियों में नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी अगर हो, देसी गाय के शुद्ध दूध के साथ में बिल्कुल गेहूं के दाने के बराबर शिलाजीत, ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम करेगी। शिलाजीत में भी यही है, बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। प्योर होने का वैसे तो तरीका भी होता है, लेकिन हम आपको तरीके इसलिए साझा नहीं करते क्योंकि ये एडल्ट्रेशन वालों को पता चलेंगे तो कल को हमारे लिए भी छानना और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एडल्ट्रेशन किस तरह से थोड़ी बहुत पकड़ी जाती है, क्योंकि उसके वैसे भी ज्यादा तो रहे नहीं हमारे पास ऑप्शंस। एडल्ट्रेशन करने वाले हमेशा एडल्ट्रेशन इस तरीके से करते हैं कि जिस पर्टिकुलर पैरामीटर पे आप उसको चेक कर रहे होंगे वो उसी को छेड़ेंगे ताकि अगली बार वो पैरामीटर पास हो जाए, और इतने फाइन तरीके से करते हैं कि नकली चीज जो है वो पास हो जाती है, असली फिर भी रुक जाती है कई बार। तो शुद्ध शिलाजीत आपको चाहिए जो पर्वतों से निकलती है, वो शुद्ध शिलाजीत है, वो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे पास भी, हम करवाते हैं अभी कोशिश, ईश्वर की दया से एक सोर्स है जहां से हम अभी ला पा रहे हैं।
नहीं तो जिससे भी ले उससे ये पूछें कि इसके प्रमाण के तरीके बताओ। जिसको पता होगा वो ढंग से बताएगा भी, प्रूफ भी करेगा और फिर आपको देगा भी। ठीक है जी। तो ये शुद्ध शिला जी जो है देसी गाय के दूध के साथ में जो है ये आप ले सकते हैं। ये जितने मैंने सुबह से शाम तक के आपको सोर्सेस बताए हैं, इनमें इतना न्यूट्रिशन, इतनी पावर, इतनी ताकत है कि आपको इसके अलावा किसी और न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। परसेंटेज वाइज बता देता हूं, काउ कोलेस्ट्रम में जबरदस्त प्रोटीन है, जबरदस्त ताकत है, पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे जितनी ग्रासेस बताई, वीट ग्रास, मोरिंगा, स्पिरुलिना, अल्फा अल्फा, बार्ले ग्रास, सारी ग्रासेस, दिन में जितना ब्रेक लेके, कम कम मात्रा में लेना है लेकिन दिन में अलग अलग समय पे लेना है। जितना अच्छा लोगे, जितना हजम कर लोगे उतनी ताकत जाती जाएगी। तो दूसरे नंबर पे ये ग्रासेस आते हैं। तीसरे नंबर पे मिलेट्स, इनमें भी प्रोटीन अच्छा होता है। इनका दलिया जितना खाओगे पूरे दिन में उतना शरीर ताकतवर होता जाएगा, शरीर में न्यूट्रिशन बढ़ता जाएगा। और चौथे नंबर पे मैंने आपको बताया फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जितने खाओ उतने भूलिए। ड्राई फ्रूट शेक भूल गया, वो भी तीसरे चौथे नंबर पे आता है, बहुत ताकतवर चीज है। मेवे में ताकत बहुत है ड्राई फ्रूट में। इसकी ताकत को निकालने का तरीका मैंने आपको भिगोकर ग्राइंड करके यूज करना बताया है। ध्यान ये रखना है, मार्केट में जितना भी इस वक्त ड्राई फ्रूट आ रहा है वो तेजाब से धोया जा रहा है। ड्राई फ्रूट अगर खाते वक्त, अब ये चीजें हैं जो हमें पता चलती हैं, हम आपके साझा जरूर करते हैं, बट मैं कल की गारंटी नहीं ले सकता कि एडल्ट्रेशन करने वाले अब इसमें नेक्स्ट खेल क्या खेलेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं, ड्राई फ्रूट अगर देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन खाने में अगर कड़वा है तो 99% चांस है उसको एसिड से धोया गया। एसिड से धोने का मतलब उसके अंदर के न्यूट्रिशन को किल कर दिया गया। जब आप एसिड से धोओगे तो जाहिर सी बात है अंदर तो कुछ छोड़ेगा नहीं, एसिड तो खींच लेगा सब चीजें और वो नुकसान भी कर सकता है। तो ड्राई फ्रूट में कोशिश करें, ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट हमारे देश में अभी इतना बड़ा काम नहीं हो पाया है। मिडल ईस्ट से अफगानिस्तान के इलाके में, खासकर जब हम ड्राई फ्रूट लाते हैं तो हम ऐसे एरिया को ढूंढते हैं, वहां से आने वाले ड्राई फ्रूट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस ड्राई फ्रूट के अंदर खास बात थोड़ी ये है कि अगर वो मिडल ईस्ट से आए तो अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों में केमिकल अलाउड नहीं है, वहां यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डलता। तो वहां से अगर सुपीरियर ड्राई फ्रूट सीधा आपके पास आ सकता है, कोई दावा कर सके, कोई ला सके, तो वो आपको एक अच्छा ड्राई फ्रूट भी दे सकता है जो न्यूट्रिशन के लिए अच्छा है। वो महंगा जरूर पड़ता है लेकिन खाने लायक चीज है जो आपको खानी चाहिए, वरना तो एडल्ट्रेशन का खेल हम देख ही रहे हैं कितना रैम्पेंट है। तो ये अभी तक की हमारी जानकारी है जो रिसर्च में आई है। और कभी हमने पहले ड्राई फ्रूट की एडल्ट्रेशन की बात आपसे इसलिए नहीं करी क्योंकि हमें नहीं लग रहा था वो इतनी रैम्पेंट है, लेकिन अभी बीच में जब हमने एक रिसर्च में मार्केट के अंदर जब हमने इस चीज को परखा, ये पूरी साफ हो गई और अब ये रैम्पेंट है जो ड्राई फ्रूट की एडल्ट्रेशन है। अब इसको आपको देखकर मंगवाकर और आराम से देखकर खाना होगा, बिकॉज नाउ इट इज रैम्पेंट। तो ये सारी चीजें हैं जिनका अगर आप सही तरीके से डाइट प्लान बनाएं, और बाकी ये बात याद रखिएगा, सुनना शरीर की है, किसी ने कह दिया इसलिए नहीं पालन करना। यूज करिए, अगर सही चीज होगी तो 15 दिन में आपको खुद बुलवाएगी कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो जो चीज सही है उसको शरीर के अंदर सेवन करते जाइए। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, प्रोटीन्स, इन सारी चीजों की आपको अगर चीज चाहिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। एक और तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग जो हैं हमारे मित्र बंधु हैं क्रिकेट खेलते हैं 8-8, 9-9 घंटे, कोई डांस परफॉर्मेंसेज में रहते हैं 8-9 घंटे, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम ले लें, और क्योंकि क्रिकेट और इन सारी चीजों के बीच में अब खाने का टाइम तो मिलेगा नहीं, बीच में मिलेट की रोटी थोड़ी खाएंगे 12-1 बजे, अब लगातार मैच चल रहे हैं आपके 9-9 घंटे 10-10 घंटे, क्या कोई ऐसी चीज है जिसको घोलकर पीते रहे शरीर में ताकत मिलती रहे, घोलकर पीते रहे शरीर में ताकत भी मिलती रहे, न्यूट्रिशन भी मिलती रहे, और ये ऊटपटांग जो कोक पेप्सी वगैरह ये सब बीच में ना पीने की जरूरत पड़े, बहुत अच्छी चीज है। एक चीज जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है सत्तू। जो लोग क्रिकेट मैच 8-9 घंटे लगातार डांस करते हो, क्रिकेट मैच खेलते हो, कोई फंक्शन अटेंड करना है, 10 घंटे हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, तो बाहर जाके पाव भाजी मत खाने लग जाओ, क्या करो अपने साथ में सत्तू रखो। अगर पाचन तंत्र मजबूत है, डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत है, तो खाओ चने का सत्तू। अगर पाचन तंत्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो खाओ जौ का सत्तू, बार्ले सत्तू। इसका 1 चम्मच पानी में डाला, थोड़ी सी खांड डाली, या तो खांड के साथ में डालकर पी सकते हो,
सत्तू को एक चम्मच सत्तू लिया, एक चम्मच खांड के साथ मिक्स किया, ये पी लिया, ये जैसे ही आप पियोगे इंस्टेंट 15 मिनट में आपको पावर देगा, अगला एक दो घंटे का मैच और खींच लोगे आप। इस तरीके से सत्तू का इस्तेमाल होता है। या फिर क्या हो सकता है, अगर आपको लगता है मुझे खांड मीठा पसंद नहीं है, तो एक चम्मच सत्तू का डालो गिलास के अंदर या बॉटल के अंदर, उसमें थोड़ा आधा चम्मच हल्का सा थोड़ा सा नमक डाल लो, एक चौथाई चम्मच, थोड़ा जीरा वगैरह डाल लो, इसको टेस्टी बना सकते हो, ये पी लो, तो ये एक अच्छी चीज है। तीसरी एक चीज है जो हमारे पास में जो संपर्क है जिन ऑर्गेनिक कंपनीज को हम कहते हैं ये चीजें बनाने को मदद करती हैं जो हमारी, उन्होंने एक इस तरह का एक प्रोपोर्शन भी बनाया। उन्होंने क्या करा, वीट ग्रास मोरिंगा स्पिरुलिना को मिक्स करा, इसके साथ सौंफ जीरा ये सब डाल दिया ताकि टेस्टी हो जाए। तो ये भी एक तरीका बनता है कि इन तीनों को वीट ग्रास मोरिंगा स्पिरुलिना मिक्स किया, थोड़ा सौंफ डाली, थोड़ा जीरा डाला, घर के अंदर प्रयोग करके देख सकते हो, नहीं तो हमारे यहां से तो मिल ही जाएगा, उसको अपना थोड़ा सा टेस्टी करा, नींबू निचोड़ा और ऐसा करके अपना ले गए और इसको मिक्स करके ये पी लिया। इसमें विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन मिल गए, सत्तू में नेचुरल थे, इसमें भी नेचुरल है लेकिन इसके अंदर ताकत ज्यादा है। तो इस तरह की लिक्विड डाइट से न्यूट्रिशन लेना चाहिए। जब आप लंबे टाइम के लिए कुछ खेल रहे हैं और आपको लगता है फटीग ना आए, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे, तो इस तरीके से पूरी होती। तो ये हमारे स्पोर्ट्स के बारे में, और जितने लोग हमारे स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, वर्कआउट से संबंधित हैं, जब आपको मैंने तरीके बताए हाउ टू हैंडल न्यूट्रिशन, इस तरीके से अगर आप न्यूट्रिशन को हैंडल करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको बेस्ट रिस्पांस मिलेगा। जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं, अगर कहीं से मिलने में दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम तो दिन रात प्रयत्न करते हैं अच्छे से अच्छी चीज आपके लिए ढूंढे और आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। बाकी अगर इसके अलावा और कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जानकारी डाल सकते हैं, हम आगे वीडियो बनाने वाली वीडियो पे उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कुछ और जानकारी लाने की और आप तक साझा करने की। आप सभी अपने जीवन में जैविक पद्धति अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। गो ऑर्गेनिक गो हेल्दी विद वाक्षी। वंदे मातरम।